बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि शेफ को अपने करियर के जॉब में हम चुने कि ना चुने। मेरा कहने का मतलब है कि क्या हम लाइफ में शेफ बने। देखिए, वैसे तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस पे है, क्योंकि मैं एक शेफ हूँ। मेरा नाम है शेफ रवि सावंत और लगभग जीवन में 25 साल में शेफ रहा हूँ, फिलहाल जनरल मैनेजर हूँ। तो इसका जवाब जो मैं देना चाहूँगा, अपने नज़रिए से देना चाहूँगा, और वो मैं आज आपको दूंगा। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो मेरी बात को सुनिए, अगर इत्तेफाक आप नहीं रखते हैं या इसको आप नहीं एग्री करते तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से आज के दौर में अगर कुछ टॉप 10 करियर्स होंगे तो उनमें से बीइंग अ शेफ अ होटलियर इज वन ऑफ देम। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे अपवाद, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हमेशा रहती हैं इस कोर्स के बारे में कि यार ये शेफ बनने के बाद यह हमारे में होगा क्या। देखिए, शेफ बनने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए, शेफ बनने के लिए, एक अच्छा शेफ बनने के लिए आपको एक अच्छी जगह से होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो एक रेपुटेड कॉलेज हो, और कम से कम 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स करिएगा। उसके बाद अगर आप ऑप्ट करते हैं अपना करियर शेफ बनने के लिए, तो आपके पास कोई दुनिया में ऑप्शंस की कमी है ही नहीं। देखिए, होटल इंडस्ट्री में काम करना शेफ करने के बाद, ये तो हम सभी जानते हैं। क्रूज लाइनर्स में आप काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप एयरलाइंस में काम कर सकते हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री बहुत ही लाइव इंडस्ट्री है और इसके अंदर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। मैं अपने कितने ही ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया और कुछ समय के बाद करियर चेंज किया और बहुत डिफरेंट फील्ड्स में गए, जहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेशन के साथ चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं शेफ रहा हूँ शुरू से ज़िंदगी में, और मेरे को ज़िंदगी में एक बार ऑप्शन मिला IFB का नाम आपने सुना होगा, जो वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव से एयर कंडीशन बनाती हैं। इस कंपनी में काम करने का मौका मिला। अब इस कंपनी ने मुझे चुना था उनके माइक्रोवेव डिवीजन के लिए, जिसका नाम था स्पाइस सीक्रेट्स, और मैं माइक्रोवेव के लिए रेसिपीज डेवलप करता था। तो आप सोचिए, बीइंग अ शेफ कितने आयाम हैं, कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो शेफ बनना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मगर ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। ये आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है, थोड़ा लंबा रास्ता है और बहुत मेहनत का रास्ता है। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत डेडिकेशन से किसी अच्छे शेफ़ के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप किसी अच्छे शेफ़ के अंडर उसके साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छी स्किल्स को सीखेंगे, फिर उसको आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। चाहे तो क्रूज शिप्स में जाइए, चाहे हॉस्पिटल्स पे, चाहे होटल इंडस्ट्री में, चाहे और भी कई रास्ते हैं, अपना गोस्ट किचन खोलिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीइंग अ शेफ एज अ करियर एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पर ये सक्सेसफुल आप तभी होंगे जब आप अच्छे से अपनी स्किल को सीखेंगे। अगर आप अपने स्किल्स को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी अच्छे शेफ नहीं बन पाएंगे। और हमेशा अच्छी जगह काम करिए जहाँ पे वेल ट्रेंड लोग काम करते हों, क्योंकि वही आपको सिखाएंगे। देखिए, कॉलेज आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाएगा, कॉलेज आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट पैदा करेगा, कॉलेज आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को पहचानना सिखाएगा, थोड़ी बहुत रेसिपी सिखाएगा। सही माने में आप सीखेंगे अगर आप शेफ बनते हैं अपने होटल में, जो होना चाहिए कम से कम एक 5-स्टार कैटेगरी का और एक मेट्रो सिटी में। तो मेरे हिसाब से एक थम्स अप है, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ज्वाइन करिए, और अगर आप शेफ बनना ही चाहते हैं तो जरूर बनिए। और मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर पिन करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो वहीं आपको हॉस्पिटैलिटी मिलता है।